अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो उत्साह से भरने वाली हैं। उम्मीद यही कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बाद ये जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है इसमें मतदाता ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ आगे बढ़ेंगे और मतदान करने के लिए आएंगे। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में और दूसरे नंबर पर मतदान की स्थिति रही है मध्य प्रदेश में, उसके बाद सबसे कम इस वक्त मतदान का प्रतिशत महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुना से इनके प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था लेकिन बाद में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए बीजेपी से। सुशील कुमार शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है लेकिन सभी ने जाकर सुबह सुबह मतदान किया है और अलग अलग वोट प्रतिशत कहां से कितने सामने आए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे सुस्त वोटिंग की रफ्तार मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है। बीएस येदुरप्पा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह आपको बताते चले कि मतदान करने के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मतदान की अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं कौन कौन से दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। गांधीनगर की यह तस्वीर, 1989 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। 2019 में अमित शाह ने 70% वोट शेयर हासिल किए थे। गांधीनगर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, सुबह सुबह जाकर वोट डाला है और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, सोनम पटेल। कितनी बड़ी टक्कर उनको दे पाएंगी ये जानना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि पिछली बार कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी अमित शाह के सामने, 26.29% ही गांधीनगर में उसको वोट मिले थे जबकि 70% मिले थे बीजेपी को। यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला, राजकोट की वीवीआईपी सीट है ये। परेश धनानी उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से टक्कर दे रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबले को बनाने के लिए बीएसपी ने भी कई जगह पर अपने कैंडिडेट को उतारा है। मनसुख मंडाविया पोरबंदर से चुनावी मैदान में है। कई ऐसे राज्यसभा के चेहरे रहे जिसको चुनावी मैदान में लोकसभा के लिए उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। ललित बसोबा उनको चुनौती देंगे। 26 की 26 गुजरात की जितनी भी सीटें रही सब बीजेपी के हाथ रही। और अब लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। लगातार आपको बता दें 3 दशक से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, अब इस बार कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगी महत्वपूर्ण रहेगा। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनकी स्थिति क्या रहेगी, बीजेपी जीतेगी पिछली बार की तरह या फिर इस बार वो बाजी मार ले जाएंगे। गुना की तस्वीर आपके सामने है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनावी मैदान में है, केंद्र में मंत्री, इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर, लोगों के बीच खूब जाकर मतदान में हिस्सेदारी के लिए उनकी ओर से अपील की गई है। तो ये तमाम वो दिग्गज रहे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर मौजूदा वक्त में लगी हुई है और उन सभी के चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने जाकर सुबह सुबह मतदान किया है। लेकिन मुद्दा क्या है जल्दी जल्दी क्विक रिएक्शन ले लेते हैं आशुतोष जी आपसे शुरुआत करते हुए, मुस्लिम और पाकिस्तान की एंट्री हुई है तीसरे दौर में, किस तरह से देख रहे हैं इसके जरिए किसको लाभ किसको हानि? ये इस बात को दर्शाता है कि दरअसल पूरा का पूरा चुनाव जो है वो मुद्दों के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा बल्कि वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको याद होगा कि जिस तरीके से बनासवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर बताने की कोशिश की थी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बताने की कोशिश की थी, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था शरिया कानून लागू हो, जिस तरीके योगी आदित्यनाथ ने कहा शरिया कानून, तो अब ये जो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि पिछले 10 साल की जो सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को सेंटर स्टेज पर लाने की कोशिश की है वो ये दर्शाता है कि वो एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 50% का जो आरक्षण की सीमा है उसको हम बढ़ा देंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण में महिलाओं को 50% एंट्री की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो जिस तरीके से अप्रेंटिसशिप योजना की बात कर रहे हैं तो वो एक विजन देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये आरक्षण का सेंटर स्टेज बन गया है तो विपक्ष को भी ये लगता है कि ये वो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाने पर ले रहा है और बीजेपी इस पर जवाब देने की कोशिश कर रही है, अन्यथा प्रधानमंत्री कभी नहीं। ये मुद्दा बनेगा।